यूपी के हरदोई में मंत्री के गनर से पीटे सिपाही को एएसपी ने दोषी ठहराया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे नितिन अग्रवाल के गनर विनय ओझा ने मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार मिश्र को लखनऊ में मज इसलिए पीटा क्योंकि उसने लाल बत्ती होने पर चौराहे से गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई थी, जिसका मामला काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दर्ज किया था। वहीं मंत्री नितिन अग्रवाल एसपी हरदोई से उनके ऑफिस में मिलने पहुंचे तो उसी समय पीटे सिपाही ने मंत्री के सामने अपना दर्द मीडिया से बयां किया, जिसको लेकर मामले की जांच तत्कालीन एएसपी लक्ष्मी निवास मिश्र ने की और जांच में पीटे सिपाही को ही दोषी ठहराया और कार्यवाही की संतुति कर दी है। अब न्याय के लिए सिपाही भटक रहा है। पेश है हरदोई के संवाददाता की खास रिपोर्ट। और 2016 में नितिन अग्रवाल जी के वहाँ जब मंत्री थे तो मैं ड्राइवर था, जो ड्यूटी कर रहा था और उस समय जो है छुट्टी कटाने गया था ड्राइवर की, गाड़ी लेकर जा रहा था तो सिग्नल जो है लाल हो गया था, अगले से तो मैंने गाड़ी रोक दी थी। उसके बाद जो उनके जो कर्नल विनय कुमार ओझा थे उनको मारा पीटा था, वहाँ पर मैंने मेडिकल भी कराया था और FIR भी वहाँ लिखाई थी और यहाँ बराबर देते भी रहे। उसके बीच में जो है SIMT वगैरह दबाव भी डालते रहे। जब उस दिन मैंने 10 तारीख को जो है यहाँ मैंने उसके बारे में प्रार्थना पत्र देने आया, कप्तान से कहा न्याय के प्रार्थना पत्र भी ले लिया मेरी, कुछ किया भी नहीं, उल्टे हमको ये देकर के दंड दे दिया, मिसकंडक्ट दे दिया कि आपने जो है मीडिया के सामने कहा। हमने कहा मीडिया के सामने जो चीज़ हमने कहा उसकी तो जाँच हुई नहीं, उनको भी होना चाहिए, मैं कहा उनकी जाँच कुछ नहीं होगी और आपके खिलाफ जाए आपके खिलाफ। और जो मैंने कहा उनके खिलाफ वो हमने कप्तान साहब इनसे भी मिले थे, उन्होंने कहा हम हमारे पास कोई लिखा पत्र नहीं दिया गया है। कुल मिला के सच बोलने सजा मिली।